हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का जियोलॉजी क्लासेस बाय दिव्या में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अबाउट द किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो किंगडम क्लासिफिकेशन है वो जो फर्स्ट हमें तो पता है अच्छे से कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन होता है। लेकिन जब फर्स्ट किंगडम का क्लासिफिकेशन हुआ था तो कैरलस लेमियस ने क्या किया था, दो किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, एक है प्लांटी और एक है एनिमलिया। तो क्या हुआ, उसमें कुछ लिमिटेशन आए। उस जो किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था, उनमें क्या हुआ, लिमिटेशंस आ गई कि वो जो सिस्टम है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाई यूकैरियोट्स और कैरियोट्स में के बीच में हो, या यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हो, या फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स है उनके बीच में जो डिस्टिंग्विश वो नहीं कर पाए, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन उनने डिस्कवर किया था वो सही था। लेकिन ये जो लिमिटेशंस आई उनके बजट से क्या हुआ, आर एच व्हिटेकर को फिर से उनको क्या करना पड़ा, फिर से फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन करने पड़े, जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा और क्या था, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया। ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन फाइनली डिस्कवर किया इन्होंने आर एच व्हिटेकर ने, उसके वजह से हमारे जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सक्सेसफुल एक्सेप्टेड हुआ। तो एरिस्टोटल को आप सब जानते हो कि एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी थे। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि एरिस्टोटल हुए फादर ऑफ जूलॉजी, तो उनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। तो हमने देखा कि जो लिमिटेशंस आ गई, हमारे जो तीन लिमिटेशंस आ गई, जो क्या क्या था, ये जो थ्री लिमिटेशंस आ गई, तो यूकेरेट्स क्या है, प्रोकेरेट्स क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। अब तो ये है ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन। तो ऑर्गेनिजम्स जो है वो टू टाइप्स है, दैट इज़ द प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या है, प्रोकैरियोट्स है जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होता है, हमारा सिंपल ऑर्गेनिजम्स को ही बोला जाता है प्रोकैरियोट्स। और जो हमारा यूकैरियोट्स है वो क्या है, यूकैरियोट्स जो हो वो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, जो कि ह्यूमन बींग हो गया, वो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। तो जो फिर से हमारे जो प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं सब यूनिसेलुलर होते हैं, जिनमें क्या होता है, वन सेल प्रेजेंट रहता है। और वो यूनिसेलुलर का जो एक एग्जांपल है वो है मोनेरा। फिर आएंगे हम यूकैरियोट्स के पास। तो यूकैरियोट्स जो हो है जो उनके अंदर में क्या आता है, टू टाइप्स आता है, एक है हमारा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर के एग्जांपल है प्रोटिस्टा, और मल्टीसेलुलर के फिर से क्लासिफिकेशन होता है। मल्टीसेलुलर क्या है, बहुत सारे सेल्स जिसमें प्रेजेंट रहता है, हमारे अंदर बहुत सारा सेल प्रेजेंट रहता है, तो है हम है हमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन प्रोटिस्टा जो है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और फिर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फिर से क्लासिफिकेशन उनका हुआ, एक है विथ सेल वॉल, मतलब ये है कि जो सेल्स है उनमें सेल वॉल रहता है, सेल की आउटर कवरिंग प्रेजेंट रहता है। और जो क्लस फिर से जो टाइप्स फिर से ये जो टाइप्स है उनमें क्या है, विदाउट सेल वॉल, मतलब उनमें सेल वॉल नहीं रहता है, जो एग्जांपल है एनिमलिया। हम भी जाते हैं एनिमलिया के अंडर, जो ह्यूमन बींग्स है वो जाते हैं एनिमलिया के अंडर। तो फिर हम देखेंगे विद सेल वॉल में क्या क्या, फिर से विद सेल वॉल जब जुनियोजुनों में क्या रहता है, जो सेल वॉल प्रेजेंट रहता है वो फिर से टू टाइप्स में डिवाइड हो गए हैं। वो क्या है, एक है डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करते, जो फूड प्रोड्यूस करता है खुद ही खुद, जो प्लांट प्रोड्यूस करता है फूड उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, और जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो परफॉर्म करते हैं वो है प्लांटी और जो प्लांट्स है, और जो नहीं करते हैं वो है फंगी, फंगी है उसके एग्जाम्पल्स। और जो परफॉर्म कर पाते हैं वो है प्लांटी, दैट इज़ द प्लांट्स। और ये तो हमारे रह गए हैं विदाउट सेल वॉल के अंदर में आ गए हैं एनिमलिया। तो हम
फिर से हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिटेल्स अबाउट डिस्कस करेंगे जो हमारे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, जो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी, प्लांटी और एनिमलिया के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या है। तो जो आर एच व्हिटेकर ने जो एक्सेप्टेबली जो उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हमें, वो बहुत सारे मैंने बहुत सारे उनमें चीज होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्ट रहते हैं उनके अंदर में, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो एक्सेप्टेबल है और वाइडली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो इसलिए हम फिर से जानेंगे क्या है मोनेरा, क्या है प्रोटिस्टा, उनके एग्जाम्पल्स क्या है, उनके कैरेक्टरिस्ट क्या है। तो चलो देखते हैं क्या है। हम फर्स्ट पे पढ़ेंगे अबाउट द मोनेरा। तो मोनेरा के जो सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूनिसेल्ड, मतलब उनमें वन सेल प्रेजेंट रहता है, यूनिसेल प्रोकैरियोट्स। और न्यूट्रिशन कैसा रहता है, वो अब्सॉर्प्टिव टाइप का होता है, मतलब अब्सॉर्ब करने की क्षमता रहती है, और फोटोसिंथेटिक मतलब फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। फिर जो मूवमेंट कैसा रहता है, मूवमेंट फ्लाजेला के उनमें फ्लाजेला प्रेजेंट रहता है। हम जानते हैं कि जो मूवमेंट में हेल्प करती है मेनली टू है, एक सिलिया है और एक फ्लाजेला है। तो मोनेरा के अंदर में फ्लाजेला प्रेजेंट रहता है। और रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, असेक्सुअली वो रिप्रोडक्शन करते हैं। और एग्जांपल्स क्या है याद रखना, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो है मोनेरा का एग्जांपल्स। फिर आएंगे हम प्रोटिस्टा के पास। तो प्रोटिस्टा में जो सेल स्ट्रक्चर कैसे होता है, उनमें भी क्या होता है, यूनिसेल रहता है, मतलब एक सेल रहता है, लेकिन ये है यूकैरियोट्स। और इनमें न्यूट्रिशन भी ऐसा ही रहता है एज द मोनेरा, एब्जॉर्प्टिव एंड फोटोसिंथेटिक। फिर जो मूवमेंट कैसा रहता है, बाय फ्लाजेला सिलिया स्ट्रीमिंग। तो उनमें क्या रहता है, टू प्रेजेंट रहता है, सिलिया भी प्रेजेंट रहता है और फ्लाजेला भी प्रेजेंट रहता है। और रिप्रोडक्शन कैसा होता है, बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल के से वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर जो एग्जांपल्स याद रखो, फाइटोप्लांकटन और जू प्लांकटन, ये है एग्जांपल्स ऑफ प्रोटिस्टा। अब हम आएंगे फंगी के पास। फंगी में मल्टी सेल होता है, मल्टी सेल जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो यूकैरियोट्स रहते हैं, कॉम्प्लेक्स और मल्टी सेल्ड। और सेल स्ट्रक्चर कैसा रहता है, काइटिनस सेल वॉल, जो सेल वॉल प्रेजेंट रहता है वो काइटिनस रहता है। फिर क्या होता है, न्यूट्रिशन जो है हेटरोट्रॉपिक, मतलब वो क्या करते हैं, खुद फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए उनको बोला जाता है हेटरोट्रॉपिक। तो एंड सप्रोबिक, द मूवमेंट है नॉन मोटाइल, तो जो उनका मूवमेंट जो रहता है वो नॉन मोटाइल रहता है, और मतलब नहीं मूवमेंट कर पाते। रिप्रोडक्शन क्या है, बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। और एग्जांपल क्या है, ईस्ट एंड मोल्ड्स एंड मशरूम्स, जो ईस्ट है वो क्या है, यूनिसेल्युलर है, एक एक्सेप्शन केस है। फिर हम जाएंगे प्लांटी के पास, दैट इज़ अ प्लांट किंगडम। तो उनका क्या रहता है, सेल स्ट्रक्चर जो रहता है सेलुलोजिक सेल वॉल, मतलब सेलुलोज प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स जो भी प्रेजेंट रहता है उनमें। और न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक, और मूवमेंट नॉन मोटाइल, रिप्रोडक्शन होता है बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। और एग्जांपल्स क्या है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड मल्टी सेल्ड यूकैरियोट्स। ये है अबाउट द प्लांट किंगडम। और हम लास्ट क्लासिफिकेशन के पास जाएंगे, वो क्या है, वो है एनिमल किंगडम, दैट इज़ द एनिमलिया। तो एनिमलिया में सेल स्ट्रक्चर रहता है विदाउट सेल वॉल एंड प्लास्टिड्स, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है, प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट नहीं रहता है, प्लास्टिड्स सिर्फ रहता है प्लांट किंगडम के अंदर। और न्यूट्रिशन इनका भी हेटरोट्रॉफिक, ये खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते, डिपेंड होना पड़ता है प्लांट्स के ऊपर। मूवमेंट क्या है, हाईली मोटाइल, रिप्रोडक्शन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। और एग्जांपल्स क्या है, स्पॉन्जेस, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स एंड मल्टी सेल्ड यूकैरियोट्स, मतलब इनका बहुत सारा सेल रहता है, मल्टी सेल होते हैं। और अब हम जाएंगे देखेंगे अबाउट एग्जांपल्स। तो क्या है एग्जांपल्स, जो हमने जान लिया कि आर एच व्हिटेकर ने जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन करा, दैट इज़ क्या है, फंगी है,
फर्स्ट तो मोनेरा है, मोनेरा और प्रोटिस्टा एंड फंगी प्लांट एंड एनिमलिया। तो इनके एग्जांपल्स क्या है देख लो। तो एग्जांपल्स आता है हमारा आर्किबैक्टीरिया, मोनेरा के अंदर आता है आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, याद रखना। प्रोटिस्टा के अंदर आता है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, सीलेटेड प्रोटोजोआ, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ और आमेवर्ड प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ है एग्जांपल्स और प्रोटोजोआ के वेरियस टाइप्स हैं। एंड फंगी जो आता है उसके एग्जांपल्स आता है अस्कोमाइसेट्स एंड ब्लास्टिडोमाइसेट्स। और प्लांट जो आता है उसके एग्जांपल्स है यूकेसेटा, लिकोपोडिया, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, फर्न्स, मॉसेस, ये सब है एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स। एंड एनिमल जो एनिमल्स को एग्जांपल है पोरीफेरा, निडेरिया, प्लैटीहेलमिंथेस, मोलस्क, एनलेट्स, इकोनोडर्म्स, ये सब फाइलम है। हम फिर से जब डिस्कस करेंगे अबाउट द फाइलम्स और एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो ये सब बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, ये सब है एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स। तो इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, उनकी कैरेक्टर्स के बारे में, अबाउट द प्रीवियस जो टू टाइप्स किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसके एग्जांपल्स टाइप्स है, और जो एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन के फाइलम्स क्या क्या है और उसके टाइप्स कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू सो मच।